प्रोग्राम, यस, हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे कि अगर हम किसी भी लूप में, ठीक है, यूजर से लिमिट लेकर, फॉर एग्जांपल कि जैसे कि अगर हम हमेशा यहाँ कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं कि 5 टाइम्स चलना चाहिए या 2 टाइम्स चलना चाहिए, अब अगर इस कंडीशन का इनपुट हम यूजर से लेकर अब लूप कंटिन्यू करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है. प्लस इस प्रोग्राम में मैंने यहाँ पर पॉइंट है कि जो फॉर लूप है जरूरी नहीं है कि जो लूप का इंक्रीमेंट सेक्शन है वो आप यहीं स्पेसिफाई करें, आप लूप के अंदर भी उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है. मेन इस प्रोग्राम में बस इतना सही था कि हमने यूजर से लिमिट यानी कि वो प्रोग्राम कितने टाइम्स चलना चाहिए इसका इनपुट लिया, और इनपुट लेने के बाद हम उतने ही टाइम इस लूप को कंटिन्यू कर रहे हैं. लेट्स से यूजर ने इनपुट दिया 3, तो ये लूप 3 टाइम्स कंटिन्यू होगा, और जो हमारे पास में आई वेरिएबल है उसकी वैल्यू को क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा इस तरीके से, ठीक है. अब यहाँ इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं. हमने इस प्रोग्राम में 2 कंसेप्ट देखे, एक तो आइट्रेशन को हमने यहाँ पर जो इंक्रीमेंट सेक्शन है वो हमने लूप के अंदर स्पेसिफाई किया, प्लस हमने लूप की जो कंडीशन है वो यूजर से पूछे कि उसको कितने टाइम्स ये लूप कंटिन्यू करना, दैट्स इट. प्रोग्राम है हमारे पास में कि इनफाइनाइट लूप किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है. अब इनफाइनाइट लूप कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोग्राम में लूप यूज करें लेकिन हम जो पर्टिकुलर लूप काउंटर वेरिएबल है उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना भूल गए, ठीक है. तो इसी बेसिस पर इनफाइनाइट लूप हमारे पास में काम करता है, कैसे किस तरीके से काम करेगा. लेट्स से कि व्हाइल लूप है, व्हाइल लूप में मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया, लूप काउंटर वेरिएबल, ठीक है. देन कंडीशन स्पेसिफाई की, अब कंडीशन तो मैंने प्रॉपरली स्पेसिफाई कर दी लेकिन प्रोग्राम में जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है वहां पर मैं सिंपली जो इंक्रीमेंट है आई वेरिएबल में वो यहाँ पर स्पेसिफाई करना भूल गई, तो ये पर्टिकुलर जो लूप है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, इनफाइनाइटली, ठीक है. तो कहने का मतलब सबसे पहले आई की वैल्यू 1 असाइन होगी, देन कंडीशन चेक होगी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. अब कहीं आई में इंक्रीमेंट किया नहीं है तो ये हमेशा जो लूप है वो वैल्यू ऑफ आई यानी कि 1 ये स्टेटमेंट हमेशा क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा, ठीक है. तो ये एग्जाम्पल हुआ हमारे पास में इनफाइनाइट लूप का, जहां पर यूजर जो लूप काउंटर वेरिएबल है उसमें इंक्रीमेंट करना भूल गया, ठीक है. और इनफाइनाइट लूप को आपको पता है कि टर्मिनेट कैसे किया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास में जो प्रोग्राम है, मतलब हमने प्रोग्राम में कहीं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं किया है तो ही इनफाइनाइट लूप का यूज है. जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार इनफाइनाइट लूप यूज किया है, जैसे आपको किसी एक सेक्शन को इनफाइनाइट टाइम्स क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक है, गेम्स वगैरह में भी. तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जहां पर ये लूप यूज में आएगा. तो इस केस में यहाँ पर मैंने इनफाइनाइट लूप के केस में आई वेरिएबल आई जो सॉरी 1 जो वैल्यू है वो स्पेसिफाई किया, ठीक है. ये लूप कंटिन्यू चलता जाएगा, कंटिन्यू चलेगा, ठीक है. ब्रेक करना है तो अगेन टर्बो सी प्लस प्लस के केस में आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है. लेकिन अगर हम यहाँ पे 0 लिख देंगे तो उस केस में नहीं होगा. बस इस सेक्शन में इतना का कंसेप्ट था. और इनफाइनाइट लूप है तो हमारे पास में आई की वैल्यू 1 जो है वो आई की वैल्यू 1 है क्योंकि इंक्रीमेंट कहीं हुआ नहीं, तो इस तरीके से आई की वैल्यू 1 हमेशा स्क्रीन पर डिस्प्ले होती रहेगी इनफाइनाइट टाइम्स. यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं. मैं हर लूप का डायरेक्शन नहीं बता रही हूँ क्योंकि तरीका वही है जो हमने एक बार समझा है, इसलिए उसको बार बार मैं रिपीट नहीं कर रही. लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे में लूप है वो है व्हाइल लूप, इसको हम पोस्ट टेस्टेड लूप या एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं. इसके अलावा जो हमारे पास में फॉर लूप और व्हाइल लूप होता है उसको हम प्री टेस्टेड और एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं, क्योंकि जैसे ही वो लूप एग्जीक्यूट होना शुरू होते हैं कंडीशन पहले चेक होती है.
इसी बेसिस पर इन लूप्स के नेम रखे गए, कैटेगरीज बनाई गई है. तो कभी कभी एग्जाम में इन पर्टिकुलर वर्ड्स पे क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन पोस्ट टेस्टेड लूप विथ एग्जाम. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको मतलब पता होना चाहिए. तो अगर हम बात करें पोस्ट टेस्टेड, तो इस पर्टिकुलर लूप की मेरा है कि कंडीशन, ठीक है, चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, एक बार तो ये लूप एग्जीक्यूट होगा ही होगा. ठीक है, किस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर एक आई वैल्यू, एक आई वेरिएबल लिया है, उसकी वैल्यू 1 से इनिशियलाइज किया है. तो फर्स्ट टाइम ये लूप क्या होगा, सिंपल आई की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा, और इसके बाद इसका जो स्टेटमेंट है आई प्लस प्लस वो एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, अब मेन समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर आई प्लस प्लस होने के बाद अब कंडीशन चेक होगी, क्या हमारे पास में जो 2 है वो 5 से छोटा है क्या. अगर कंडीशन ट्रू है तो ये लूप आगे कंटिन्यू होगा. यानी कि पहली बार जब हमारे पास में ये स्टेटमेंट विजिबल हुआ था तो उस केस में कंडीशन चेक नहीं हुई थी. यही यहाँ पर डू वाइल लूप का मेन काम है. ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आई की वैल्यू ये कंटिन्यू चलेगा, कितने टाइम्स चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा. तो आई की वैल्यू सबसे पहले 1 डिस्प्ले होने के बाद 2, 3, 4 और 5 डिस्प्ले हो जाएगी. ठीक है, बाकी कंसेप्ट बिल्कुल सी जैसा ही है. लूप के साथ हम ब्रेक स्टेटमेंट कैसे यूज कर सकते हैं, हमने पढ़ा था कि लूप जो हमारे पास में कंसेप्ट है उसके साथ में हम कुछ स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं, ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज, कि अगर हमें प्रोग्राम में पर्टिकुलर लूप को किसी भी पॉइंट पे टर्मिनेट करना है, इनफाइनाइट लूप की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिंपल किसी प्रोग्राम को हमें किसी भी केस में क्या करना है, डिसकंटिन्यू करना है या ब्रेक करना है, तो वी कैन यूज ब्रेक स्टेटमेंट. ठीक है, कैसे यूज करना है, लेट्स से कि यहाँ पर मैंने ये लूप कंटिन्यू किया है, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 असाइन हो जाएगी और उसके बाद कंडीशन चेक होगी फर्स्ट आइट्रेशन के केस में. अब अगर 1 जो है वो 10 से छोटा है तो डेफिनेटली ये पर्टिकुलर सेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है, अब मैंने जो ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर पुट किया है वो किस केस में पुट किया है, मैंने यहाँ पे चेक करवाया है कि अगर आई की वैल्यू 6 हो, यानी कि आई ये पर्टिकुलर जो लूप है जब 6 वैल्यू पर आएगा. ठीक है, अभी तक तो ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है, देन 2, और जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी तो मैंने सिंपली लूप को क्या कर दिया, ब्रेक. ठीक है, आप इस केस में जरूरी ब्रेक स्टेटमेंट को ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि कंडीशनल पार्ट यहाँ से स्किप कर दें और डायरेक्टली ब्रेक, मतलब इफ कंडीशन और ब्रेक यहाँ पर लिख दें तो भी ये लूप परफेक्टली काम करेगा. ठीक है, ये भी एक ब्रेक का काम है कि हम कंडीशन पार्ट यहाँ से स्किप कर दें और उसकी जगह यहाँ पर स्पेसिफाई कर दें. ठीक है, तो उस केस में भी ब्रेक स्टेटमेंट काम करेगा. ठीक है, अब मेन समझने वाली बात क्या है कि मैंने जब आई की वैल्यू को 6 से चेक करवाया तब मैंने ब्रेक किया, लेकिन अगर मैं ब्रेक बिना इफ कंडीशन के यहाँ पर पुट करती, ऐसे भी आप लोगों ने किया होगा कई बार मिस्टेक से या कैसे भी, कि अगर हम बिना किसी कंडीशन के ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करेंगे तो होगा क्या, ये पर्टिकुलर लूप एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, तो ब्रेक का सिंपल यूज ये है कि जब आपको किसी कंडीशन को चेक करवाए या कोई कंडीशन क्राइटेरिया वहां पर मैच हो जाए तो आप लूप को क्या कर दें, ब्रेक. विदाउट कंडीशन ब्रेक का सिंपली यहाँ पे कोई यूज नहीं है, हालांकि यूज कर सकते हैं लेकिन ऐसे कोई मतलब नहीं रह जाएगा उसका. तो मैंने इस प्रोग्राम में यहाँ पर देखें 6 तक तो ये पर्टिकुलर लूप जो है वो कंटिन्यू वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, लेकिन ठीक है जब वैल्यू 6 होगी तब ये पर्टिकुलर लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. यानी कि मैंने 10 तक वैल्यू डिस्प्ले ना करवाकर सिर्फ 6 तक ही वैल्यू डिस्प्ले करवाई है. अब किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं. यस, अब लूप की अगर हम बात करें तो लूप के हमारे पास में काफी सारे यूजेस हैं, जैसे कि लूप हम एरे में भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, लूप हम बहुत सारे जैसे फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं.
इसके अलावा लूप का यूज करके हम सीरीज भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो मैंने मतलब C++ में जो हम एक एक कंसेप्ट को यहाँ पे यूज कर रहे हैं सी वाले, जैसे मैं सीरीज का एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पर आपको एक पैटर्न प्रिंटिंग का एक एग्जाम्पल पुट करूंगी। ज्यादा एग्जाम्पल हम यहाँ पर नहीं देखने वाले क्योंकि हम आप लोग ऑलरेडी उसको सी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक बार सीरीज का एक छोटा सा एग्जाम्पल देख रहे हैं कि सीरीज हम किसको कहते हैं। सीरीज यहाँ पर वैल्यू कुछ इस तरीके से हमें डिस्प्ले हो सकती है, जैसे आप लोगों ने फिबोनाची सीरीज भी पढ़ी होगी, जहाँ पर कि हमें पहले वैल्यूज को स्वैप करके और आगे उनका प्लस करवाना होता है। तो ये हमारे पास में कुछ सीरीज के कंसेप्ट हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल पुट किया है सीरीज का कि मुझे कुछ इस तरीके से 1, then 4, then 9, then 16। आई नो आप अच्छे से इस प्रोग्राम को एक क्रिएट कर सकते हैं, बट एक एग्जाम्पल अभी हम देख रहे हैं कि सीरीज को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगेन मैंने यहाँ पर फॉर लूप यूज किया है, ठीक है। अब फॉर लूप में मैंने यहाँ पर क्या किया है कि जो भी आई की वैल्यू है उसको उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में मैंने असाइन कर दिया है। इससे होगा क्या, अब अगर हम आई की वैल्यू को उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले एक नंबर जनरेट होगा, यानी कि उस पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर जनरेट होगा, और इसी को हमने यहाँ पे सीरीज के फॉर्म में पुट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 थी, तो 1 होने पर यहाँ पर रिजल्ट में कुछ इस तरीके से असाइन हो जाएगा 1 × 1। देन यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, और उसके बाद मैंने एक स्केप सीक्वेंस को सिंपली यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। अब आई की वैल्यू वापस से यहाँ पर इंक्रीमेंट होगी, यानी कि आई की वैल्यू जब सेकेंड आइट्रेशन के केस में 2 हो जाएगी तो रिजल्ट में क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 थी तो 2 × 2 = 4। इस तरीके से ये प्रोग्राम क्या होगा, कंटिन्यू चलेगा, और रिजल्ट को हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, प्लस उसके बाद एक टैब कैरेक्टर भी ऐड कर रहे हैं, यानी कि दो वैल्यूज के बीच में टैब जरूर यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 10 times मैंने लूप को चलाया है, और ये पर्टिकुलर जो लूप है वो 100 वैल्यू तक हमें आउटपुट डिस्प्ले करेगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया एक सीरीज का। फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम मैंने नहीं बनवाया है क्योंकि आप उसको ऑलरेडी सी में बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, और सीरीज के क्वेश्चंस को आप लूप में से ट्राई करिएगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लगता है नहीं समझ आया तो मैं क्लास में उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन टेबल। ये प्रोग्राम आप लोग किस तरीके से, आपको ये प्रोग्राम आप लोगों का एक असाइनमेंट रहेगा कि आपको करना क्या है, यूजर से एक नंबर का इनपुट लेना है, ठीक है। नंबर का इनपुट लेने के बाद आपको किसी एक नंबर की मल्टीप्लिकेशन टेबल यानी कि कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करवानी है। बहुत सिंपल से प्रोग्राम्स हैं, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है कुछ भी। तो सिंपल मैंने एक स्टेटमेंट में कैस्केडिंग जो सी आउट है उसको यूज करके यहाँ पर सबसे पहले 2 × 1, ठीक है, और उनका रिजल्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन डिस्प्ले करवाया है। इस प्रोग्राम को आप ट्राई करना, फिर कुछ कन्फ्यूजन रह जाएगा तो मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट करवाने का एक छोटा सा प्रोग्राम है। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। यूजर यहाँ पर कोई भी इनपुट दे उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल यहाँ पर मैंने 10 तक डिस्प्ले करवाई है। आप चाहें तो इस केस में ये जो वैल्यू है, ठीक है, यानी कि कितने टाइम्स कितनी आइट्रेशन तक लूप डिस्प्ले होना चाहिए, मैंने 10 तक ही डिस्प्ले करवाया है। आप चाहें तो ये भी यूजर से इनपुट लेके डिस्प्ले करवा सकते हैं। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ये आप लोगों का असाइनमेंट रहेगा कि आप इसको ट्राई करेंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल को, जिसको हिंदी में हम पहाड़ा बोलते हैं, SH। आप लोग उसको सी में अच्छे से देख चुके थे, यहाँ हम मेन चीजें वो देख रहे हैं जो सी और सी प्लस प्लस में थोड़ी बहुत अलग है, प्लस सी के हर एक
कंसेप्ट को हम एक एक करके एक एक एग्जाम्पल से डिस्कस कर रहे हैं, ज्यादा उसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम की, यहाँ पर आपको एक नंबर की पावर जो यूजर ने दी है उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले करना है, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर यूजर ने अगर बेस यानी कि एक नंबर का इनपुट लिया, दो नंबर्स का टोटल मैंने यहाँ पर इनपुट लिया है, एक तो सिंपल नंबर बेस है, ठीक है, और एक उसकी पावर है। तो अब इस प्रोग्राम का आउटपुट यहाँ पर क्या डिस्प्ले होना चाहिए कि 2 की पावर 4 कितना होगा, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको सिंपल एक कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पर मैंने क्या यूज किया है, मैंने सबसे पहले ये जो लूप है उसको 1 to कब तक चलाया, जितना मैंने यूजर से पावर का इनपुट लिया है। लेट्स से कि ये अकॉर्डिंग टू दिस इनपुट, कौन सा इनपुट, 2 और 4 की बात कर रही हूँ मैं, कि मैंने यहाँ पे इनपुट लिया बेस में 2 और पावर में यहाँ पर इनपुट लिया मैंने 4। तो अब 2 की पावर 4 तक यहाँ पर ये प्रोग्राम कंटिन्यू होगा, ठीक है, और आउटपुट में हमें ये डिस्प्ले होना चाहिए। तो इस प्रोग्राम को बनाना कैसे है, फर्स्ट आइट्रेशन के केस में जब आई की वैल्यू 1 होगी तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं जिसकी वैल्यू इनिशियली 1 है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर रिजल्ट को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो हमारे पास में एक स्पेसिफाइड बेस है। तो हर आइट्रेशन के केस में बेस की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, वो किसके साथ में मल्टीप्लाई होता जाएगा, रिजल्ट के साथ में। तो एक बार जो रिजल्ट में असाइन कर दिया गया उसी को वापस से यूज किया जाएगा और ये स्टेटमेंट हर बार एग्जीक्यूट होगा। देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले आई का आइट्रेशन 1, आई की वैल्यू 1 थी, तो रिजल्ट में हमने क्या किया, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, 2 से, क्यों, क्योंकि रिजल्ट की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है, तो रिजल्ट आ गया 2। देन सेकेंड आइट्रेशन में जब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, कंडीशन चेक होगी कि 2 जो है वो 4 से क्या होता है, छोटा होता है, ये कुछ इस तरीके से, कंडीशन ट्रू है। तो सेकेंड आइट्रेशन जब एग्जीक्यूट होगा तो सेकेंड आइट्रेशन के केस में हमने पहला जो आइट्रेशन रिजल्ट था, आरईएस नाम का जो वेरिएबल का रिजल्ट था उसी को ही यूज किया और उसको हमेशा एक फिक्स्ड जो हमारा बेस है उसके साथ में मल्टीप्लाई करके 4 आउटपुट यहाँ पे जनरेट किया, ठीक है। ऐसे ही बाकी की 2 आइट्रेशन भी यहाँ पर जनरेट होंगी। इस प्रोग्राम में मेन समझने वाली बात इतनी सी थी कि हम प्रीवियस आइट्रेशन को यूज करके आगे की आइट्रेशन के रिजल्ट को क्या करवा रहे हैं, कैलकुलेट करवा रहे हैं, ठीक है, ये इस प्रोग्राम में मेन समझने की बात थी। तो अब जब आइट्रेशन सेकेंड का रिजल्ट 4 आया तो नेक्स्ट जो आई वाला जो लूप है उसमें हमने वापस से इसी 4 को यूज किया, ठीक है, और जो हमारे पास में बेस की वैल्यू है वो तो फिक्स ही है तो मल्टीप्लाई करवा कर 8 रिजल्ट जनरेट किया और ऐसे ही लास्ट में 16 रिजल्ट जनरेट होगा, ठीक है। ये भी प्रोग्राम आप लोग सी में ऑलरेडी बना चुके हो, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना था कि प्रीवियस आइट्रेशन को हम नेक्स्ट आइट्रेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। हमने लूप में सीरीज का एक एग्जाम्पल देखा, पैटर्न का एक एग्जाम्पल देख रहे हैं और लूप टॉपिक हमारे पास में ओवर होने वाला है, तो इससे पहले एक प्रिंट जो पैटर्न है हमारे पास में उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि पैटर्न किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले मैंने इस प्रोग्राम में नेस्टिंग ऑफ लूप फॉर लूप को भी एक्सप्लेन किया है कि हम एक लूप के अंदर एक से ज़्यादा लूप को यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है हमारे पास में, लेकिन आपके पास में जो आउटपुट है उसी के बेसिस पर ही हम लूप की नेस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर केस में हमें लूप एक लूप के अंदर लूप यूज करना पड़े, हम यहाँ पर फॉर के अंदर वाइल लूप और वाइल के अंदर फॉर भी यूज कर सकते हैं और फॉर के अंदर फॉर भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने इस प्रोग्राम में सिंपली क्या किया है, यूजर से रोज का इनपुट लिया है, हमें करना क्या था पहले वो समझ लेते हैं और किया क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो हमें ये करना था कि हमें हर रो में कुछ स्टार्स को डिस्प्ले करवाने, जब भी आप पास में पैटर्न के क्वेश्चंस आए तो आप सबसे पहले उसका एक बार आउटपुट समझ लीजिएगा, उसके बाद पैटर्न के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि कई बार पैटर्न सॉल्व करते टाइम प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। अभी या तो ऐसे कुछ नई दिक्कत आनी चाहिए, देखते हैं कैसे क्या होगा।
सबसे पहले पैटर्न के केस में मैंने यहाँ पर इस प्रोग्राम को एक मैट्रिक्स के फॉर्म के आउटपुट के तौर पर पुट किया है कि एक जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स या टेबल है उसमें फर्स्ट रो में हमारे पास में एक स्टार है, सेकंड रो में हमारे पास में दो स्टार हो गए, थर्ड रो में तीन स्टार हो गए। ऐसे ही अगर रो नंबर 5 है तो जो रो नंबर है उसके अकॉर्डिंग स्टार यहाँ पर होने चाहिए। तो अब मैट्रिक्स को यानी कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हमें क्रिएट करने के लिए एक तो लूप की ज़रूरत पड़ेगी जो टोटल रोज को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि लूप कितने टाइम्स चलना चाहिए। और एक हमारे पास में लूप रहेगा यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से जे का लूप मैंने यहाँ पे पुट किया है। ये लूप क्या करेगा कि जो हमारे पास में आई का नंबर यानी कि जो रो की वैल्यू है उतने ही स्टार को डिस्प्ले करेगा। सेकेंड रो जे सेकेंड टाइम जब ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू अगर 2 रहेगी तो ये पर्टिकुलर 2 स्टार को डिस्प्ले करेगा। तो देखते हैं कैसे हमने यहाँ पर प्रोग्राम को बनाया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर यूजर से रोज का इनपुट लिया है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर यूजर ने रोज में इनपुट दिया 5, तो ये पर्टिकुलर बाहर वाला जो आपका लूप है यानी कि आउटर मोस्ट जो लूप है वो तो टोटल 5 टाइम्स चलेगा, और 5 टाइम में हर एक पर्टिकुलर रो में कितने कॉलम्स में वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा, हमारे पास में जे का लूप। तो देखिए जो जे का लूप यहाँ पर कंटिन्यू होगा, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 है तो ये एक बार ही चलेगा और यहाँ पर एक स्टार प्रिंट होगा। इंस्टेड ऑफ स्टार यू कैन ऑल्सो डिस्प्ले वैल्यू ऑफ जे और यू कैन डिस्प्ले एनी कैरेक्टर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कैरेक्टर के प्लेस पर एक स्टार को डिस्प्ले करवाया, और अगर हम जे को डिस्प्ले करवाएंगे तो सिंपल यहाँ पर हमें जो नंबर्स हैं वो 1, 1, 2 इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। तो जो आउटपुट है उसके अकॉर्डिंग मैं स्टार को डिस्प्ले करवा रही हूँ। तो जब आई की वैल्यू 1 है तो ये पर्टिकुलर लूप एक बार चलेगा और एक स्टार डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट आउटपुट जो नेक्स्ट लाइन से चाहिए, तो इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पर \n। एंडल भी यूज कर सकते हो यहाँ पर, ये C++ का एंडल एक नया कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद जब ये आइट्रेशन कंटिन्यू होगा तो वापस से कंडीशन चेक होगी। यहाँ पर कंडीशन जो 2 नंबर है वो 5 से छोटा होगा, इस बेसिस पर ये जो जे का लूप है वो कितने टाइम्स चलेगा। हमने यहाँ पे कंडीशन में स्पेसिफाई किया है कि ये जो जे का लूप कब तक चलना चाहिए जितना कि आई की वैल्यू है, यानी कि आई के इक्वल तक चलना चाहिए। तो आई की वैल्यू 2 है तो ये 1 to 2 टाइम्स चलेगा और सेकेंड आइट्रेशन में ये 2 स्टार्स प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से ये लूप आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो जो रो का नंबर है उतनी ही बार जे का लूप चलेगा और स्टार को प्रिंट कर देगा। अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।